बंद कीजिए वरना आप खत्म कर दिए जाएंगे। मैं और वो दो ही थे। मैं अपने कमरे में आया और फोन उठा करके गोविंद मुखोटी मेरे दोस्त, वो भी सेंट जेवियर्स कॉलेज में उसी टाइम पढ़ाते थे जब मैं पढ़ाता था, और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। मैंने गोविंदा, मैंने कहा इस तरह का मुझको धमकी दी जा रही है, अभी जाओ रात को जाओ, रात के 9:30 बजे से बोले अभी जाओ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR लिखाओ। इंडिया गेट के पास तिलक रोड का, तिलक मार्ग का पुलिस स्टेशन में गया रात को, 4 साथी और 2 SHO के पास गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। उसने 2 घंटे 2.5 घंटे हमें चाय पिलाया, खाना खिलाया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा और चुपचाप सीक्रेटली चीफ मिनिस्टर को खबर करा दिया कि आपका MLA यहां आपकी शिकायत कराने आया वायरलेस या कैसे किया। हम इनोसेंटली अपना कि रात देर हो गई, चलो यार आज सोएंगे, कल सुबह फिर देखते हैं। हम रात को 12 बजे सुनसान सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के सामने भगवान दास रोड से वापस आ रहे, हरियाणा भवन वहीं पर है, तो पीछे से एक ट्रक आया धड़धड़ाता हुआ, जैसे हमको कुचल के खत्म कर देगा। रात के 12 बजे 12:30 बजे हम एक तरफ गिर गए, बच गए, अपना धूल धात झाड़ के हमने सोचा हमसे गलती हुई, हम जाके अपने कमरे में सो गए। सुबह उठ करके 7 बजे अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock एक जर्नलिस्ट फ्रेंड पंकज सिंह गोमती हॉस्टल में रहते थे, वहीं हरियाणा भवन के पास मंडी हाउस के पास बंगाली मार्केट में गोमती हॉस्टल, वहां पर मैं उसको बताने के लिए गया कि यार मेरे साथ रात को ये क्या अजीब सा हुआ, चीफ मिनिस्टर ने धमकी दे दी और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और फिर ट्रक आया, ये ऐसा कुछ मैं बताने के लिए गया। वहीं मेरे दोस्त का फोन आया हरियाणा भवन से कि स्वामी जी आप अपने कमरे में मत आना वापस, आपका कमरा सील करके आपका सामान सीज हो चुका है, सब कुछ सरकार ले गई, पुलिस DIG CID ने कब्जे में ले लिया है, आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है कि आप एक नक्सलाइट हैं, मैं और मामूली नक्सलाइट नहीं है, आप नागभूषण पटनायक के भाई हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपके कमरे से उनको सारा लिटरेचर मिला है नागभूषण पटनायक रिलीज कैंपेन कमेटी का, वो मैं कैंपेन चलाता था, क्योंकि उस समय मुझे पता चला था कि नागभूषण पटनायक 11 साल से ही वॉज इन प्रिजन विदाउट ट्रायल। तो जस्ट पर एक सिविल लिबर्टीज के नाते से मैंने कैंपेन किया कि गिव हिम द चांस ऑफ ए फेयर ट्रायल, उसके बाद आप हैंग कीजिए जैसे कह रहे थे, यदि दोषी अपराधी है, लेकिन ये क्या कि किसी को आप 11 साल बंद करके रखते हैं और वो बीमार पड़ा हुआ। तो हमारे कैंपेन की बदौलत उनको विशाखापट्टनम जेल से हॉस्पिटल लाया गया, दिल्ली के एम्स में लाया गया। मैं वहां एम्स में गया मिलने तो पुलिस का पहरा था चारों तरफ उसके ICU, जो आदमी घायल पड़ा हुआ है ICU में एडमिट है, और उसके ऊपर पुलिस का इतना पहरा कि किसी को फिर मैं खिड़की से उसको वेव करके मैं आ गया। थोड़े दिनों के बाद वो हमारी कोशिशों से वो बाहर निकले और मेरे कमरे में, मेरे जहां मैं दिल्ली में रहता उसमें मेरे साथ रहे 1 महीना। बाहर निकल करके फिर वो इंडियन पीपुल्स फ्रंट के चेयरपर्सन बने, विनोद मिश्रा उसके पार्टी प्रेसिडेंट बने। मैं विनोद मिश्रा से मैं मिला, मैं नागी रेड्डी से मैं मिला, मैं कोई माओवादी नहीं, मैं कोई नक्सलवादी नहीं, लेकिन मैं इनकी बात देखता हूं कि इनके अंदर क्या जज्बा है, मैं खुद चैलेंज फील करता हूं कि मैं क्यों नहीं इसकी ताकत से लड़ पा रहा इस न्याय के लिए, कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं, फिर भी मैं अपने आप को कम पाता हूं। मैं बार बार कहता हूं पब्लिक मीटिंगों में कहता हूं कि ये एक माओवादी नेता आदिवासी लड़का सुबह उठता है, अपने घर से निकलता है झोपड़ी में से बाहर बस्तर के या दंतेवाड़ा के, तो उसको पता नहीं होता कि शाम को वो घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और अग्निवेश जाता है रायपुर से दंतेवाड़ा तो जाने का टिकट बाद में पक्का करता है, आने का रिटर्न टिकट पहले पक्का करके आता है, भाई मैं बॉम्बे आया हूं तो कल सुबह की फ्लाइट मेरी पक्की है सीट, तो मैं आया हूं बॉम्बे, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता कि मैं आ जाऊं और वापस जाने का मेरा पक्का हो कि ना हो, ये कमजोरी है मेरे अंदर। उनके पास रिटर्न टिकट नहीं है, घर से निकलते हैं तो निकले हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आ। तो
ये जो एक मैं फील कर रहा हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एंग्विश के साथ। और जो रात को मुझे चिट्ठी मिली ओपन लेटर में, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि स्वामी जी आप जिस चैनल से चिट्ठियां भिजवा रहे हैं उनके ऊपर वाच रखा जा रहा है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के दोबारा चिट्ठी लिखी 22 जुलाई को, 20 जुलाई को 11 बजे मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिला और 22 जुलाई को मैंने चिट्ठी लिखकर के माओवादियों को कहा है कि आजाद के मारे जाने का दुख जो आपको है मुझे भी है, क्योंकि वो हमारे साथ पीस प्रोसेस में शामिल हो रहा था। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मैं मांग कर रहा हूं, लेकिन होम मिनिस्टर ने मना किया, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आया हूं और उनकी बातों से मुझे विश्वास है कि वो शायद करें, एश्योर्ड मी ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी। और वो चिट्ठी मैंने फिर भिजवाई उनको, माओवादी लीडरशिप को। अब वो चिट्ठी लेकर के जब वो सरोज या सुकान निकले तो उनको पुलिस ने इंसर्कल कर लिया काम पर, बड़ी मुश्किल से बच के निकले उसमें से। और मुझे ईमेल किया उन्होंने ओपन लेटर, आप लोगों में से कुछ लोगों को आया होगा। तो दोस्तों ये कहने का सवाल क्या, ये स्टेट आखिर चाहता क्या है? आप बातचीत करने के लिए ऑफर करते हैं, इतना बड़ा एक पीस के लिए जेस्चर करते हैं, ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, और फिर जब वो बातचीत होने की प्रक्रिया कहीं दिखती है तो आप उनको पंप ऑफ कर देते, कैसे कोई विश्वास करेगा? मैं नहीं, मेरी जगह किसी और को भी रखेंगे आप, तो कोई कैसे कोई निगोशिएटर बनेगा या इंटरलॉक्यूटर बनेगा, बताइए सही मुझे। और जितनी बार मैं मिलता हूं चिदम्बरम जी से, मैंने 8 जुलाई को जब बात की, मैंने कहा आर यू नॉट कंसर्न, लेट अलोन आई मीन नो इंक्वायरी वॉट एवर, बट डोंट यू फील कंसर्न? बोले नो आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न। बोले ऐसे रोज मर रहे हैं, वो मार रहे हैं। ही टुक आउट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ 142 पीपल होम दे माओइस्ट हैव किल्ड इन द नेम ऑफ पुलिस इन्फॉर्मर। उनका स्वामी जी आपने इनके लिए जुडिशियल इंक्वायरी की मांग नहीं की कभी, मुझसे कहा उन्होंने। उनका देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे से ज्यादा ऑथेंटिक आपके पास है, आप गवर्नमेंट है, सॉवरेन बॉडी है, सब कुछ, आप क्यों नहीं कराते इनके लिए जुडिशियल इंक्वायरी? मैंने मना तो नहीं किया, आपको कराना चाहिए, एक जरूर कराइए, आई एम इक्वली कंसर्न, लेकिन आपके पास मशीनरी है आप कराइए, क्यों मारा कैसे मारा। मैं कंडेम करता हूं किसी तरह की, किसी की भी जान जा रही उसको मैं गलत मानता हूं, स्पाइरल ऑफ वायलेंस खत्म होना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे पूछा, पहले भी पूछा था, उस दिन भी था, कि ये जो सारा करप्शन हो रहा है, रैम्पेंट करप्शन है, इज इट नॉट वायलेंस? तो एज ए लॉयर, बड़ा स्किल्ड लॉयर हमारे गृह मंत्री जी, उनका इशारा था कि स्वामी जी यू नो द टाइप ऑफ करप्शन देयर इज इन तमिलनाडु। अभी जो स्पेक्ट्रम के सवाल के पता लगा ना आप लोगों को भी, और कौन है वो तमिलनाडु के ही है मिनिस्टर, ये राजा। मैंने कहा हाँ यस, बट देर इज नो माओइस्ट स्ट्रगल। देखिए क्या कितनी चालाकी, वहां तो कोई माओवाद नहीं, वहां तो करप्शन पूरा है, शायद सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, वहां तो कोई नक्सलाइट नहीं है। तो इस तरीके से आप एक लॉयरिंग और उसके द्वारा आर्गुमेंट करते हैं, एक कंपैशन जिसको होना चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, सब कुछ, एक मॉरल अथॉरिटी है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट खाली पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडी नहीं होती, एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की बातें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मैंने माओवादियों से कई बार पूछा भाई तुमको बातचीत के लिए बुलाएंगे तो आखिर बातचीत क्या करोगे, डिसाइड्स की बैन हटा दो, डिसाइड्स की हमारे साथी जेल में उनको छोड़ दो आदि।